नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल ना होकर बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल होंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि आरएलएसपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से स्वामी प्रसाद मौर्य की कई मुलाकात हो चुकी है। 24 जुलाई को पटना में बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें दोनों नेता शामिल हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इसी में मौर्य शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य एक ही बिरादरी से आते हैं। कुशवाहा बिहार में कोयरी जाति के नेता हैं तो मौर्य भी यूपी में उसी जाति समूह के नेता हैं। और इस बीच राजकिशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। राजकिशोर, इसका क्या मतलब निकाला जाए और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए कि वो अपने ओबीसी वोट बैंक को भी समेट के रख सके जो उसके साथ लोकसभा चुनाव में जुड़ा था, और पिछली बार 2012 में बाबू सिंह कुशवाहा को वो इसी उद्देश्य से लाए थे, लेकिन वो उस समय बहुत टेंटेड थे, एनआरएचएम घोटाले में वो आरोपी थे तो उसका फायदा नहीं मिल सका था। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी जाति से आते हैं और माना जा रहा था कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे बयान आए थे जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनका शामिल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो राजग में शामिल होकर बीजेपी के लिए बैटिंग कर सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा भी उसी जाति से आते हैं और बिहार से वो भाजपा के पुराने सहयोगी हैं, अब उनकी पार्टी में वो शामिल होकर वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बैटिंग करेंगे, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और जैसा कि आपने बताया ही कि 24 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा करने जा रहे हैं, माना जा रहा है कि मंच पर उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे और वहां से संदेश उत्तर प्रदेश के लिए जाएगा। चलिए, शुक्रिया राजकिशोर इस जानकारी के लिए।